हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूटिलाइजेशन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। स्पार्ट वेल्डिंग का उदाहरण है, स्पार्ट वेल्डिंग का उदाहरण प्रतिरोध है, स्पार्ट वेल्डिंग का उदाहरण प्रतिरोध है। दूसरा, जब वेल्डिंग भाप की मोटाई बढ़ाई जाती है तब एसी वेल्डिंग के लिए निम्न पैरामीटर में से कौन सी वृद्धि होनी चाहिए? तो धारा की वृद्धि होनी चाहिए। धारा वोल्टेज नियत रहता है और धारा में अचानक वृद्धि होती है, धारा में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, धारा बढ़ती है। भट्टी में स्वचालित रूप से तापमान नियंत्रित करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तापमान नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। भट्टी में स्वचालित रूप से तापमान नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, करना आवश्यक है। वेल्डिंग के लिए एक दिष्टकारी में वोल्टता या धारा का अभिलक्षण किसके जैसी होती है? तो ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, ये ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक का होता है। वेल्डिंग मोटर जनरेटर में निम्नलिखित में से दक्षता की रेंज की होनी चाहिए? तो ये 50 से 60% होनी चाहिए, 50 से 60% होनी चाहिए। वेल्डिंग मोटर जनरेटर की निम्नलिखित में से दक्षता की रेंज 50 से 60% होनी चाहिए। वेल्डिंग परिपथ में शक्ति समायोजन के लिए संधारित्र सामान्यतः जो है प्राइमरी के सेल, ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी या प्रधान सिरे के आर पार जोड़ा जाता है ताकि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो सके और अधिक से अधिक वोल्टेज नियत रह सके, और उसकी जिससे पावर फैक्टर, जो हमको पावर फैक्टर ज़्यादा चाहिए, लो पावर फैक्टर पे काम करता है ये वेल्डिंग जो हमारा वेल्डिंग होता है, ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है लो पावर फैक्टर पे काम करता है। तो संधारित्र से जब जोड़ देते हैं तो ये हाई पावर फैक्टर पे काम करने लगता है, इसलिए इसको प्राइमरी से जोड़ते हैं, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिरे से जोड़ते हैं संधारित्र को, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। विद्युत स्पर्श घात शॉक का अधिकतम खतरा होता है, तो ये होल्डर में इलेक्ट्रोड डालने के दौरान, जब होल्डर में इलेक्ट्रोड डालते हैं उस टाइम चार्ज जो होता है बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होते हैं, तो उस टाइम जो भी मनुष्य वहाँ पे काम करता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का या जो उस पर वर्क करता है उसको खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसी टाइम सावधानी बरतने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है इलेक्ट्रोड डालते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करने वाले लोड का शक्ति गुणक पावर फैक्टर किस पर सबसे कम निर्भर करता है? तो ये वेल्डन की सामग्री पर सबसे कम निर्भर करता है, ये वेल्डन की सामग्री पर, मटेरियल पर सबसे कम निर्भर करता है। आर्क को बनाए रखने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है? तो देखिए, जब आर्क शुरुआत में बहुत ज़्यादा वोल्टेज लेती है, लेकिन जब आर्क रन करने लगती है तो उस टाइम उसको बहुत कम वोल्टेज यानी कि 20 से 30 वोल्टेज की मात्र जरूरत पड़ती है। इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, मात्र 20 से 30 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है आर्क को बनाए रखने के लिए। किस प्रकार की वेल्डिंग में यांत्रिक दाब सामर्थ्य की आवश्यकता होती है? तो किस प्रकार की वेल्डिंग में यांत्रिक दाब की आवश्यकता होती है? तो प्रतिरोध वेल्डिंग में आर्क की आवश्यकता होती है, प्रतिरोध वेल्डिंग में यांत्रिक दाब की आवश्यकता होती है, जबकि आर्क में आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रतिरोध वेल्डन प्रक्रिया के लिए जरूरत होती है, प्रतिरोध वेल्डन प्रक्रिया के लिए न्यून वोल्टता पर एसी धारा की उच्च मान, किसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा,
न्यून वोल्टता पर एसी धारा के उच्च मान की जरूरत होती है प्रतिरोध वेल्डन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोलता है, सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप द्वारा दी जाने वाली रोशनी का रंग कैसा होना चाहिए, कैसा होता है? तो ये सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप द्वारा पीला रोशनी दी जाती है। पीला देखते हैं ना आप, जो रोड जो पुराने बल्ब लगे हुए थे रोड के किनारे, वो पीला रोशनी देते थे। तो वही है सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप जो गलियों में लगे होते हैं, पीली रोशनी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रेरण तापन के मामले में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक होता है? तो प्रेरण यानी कि इंडक्शन हीटिंग के मामले में हमारा जो है आवृत्ति का महत्व सबसे ज्यादा होगा, आवृत्ति का महत्व ज्यादा होगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, आवृत्ति का महत्व सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।